सभी लोगों का अन्नपूर्णा सर्वेश्वरी सुमन की रसोई में स्वागत है। तो आज हम लोग बर्गर बनाएंगे, जो कि जो हमारे पास सामान है और जो चीज है उस जो अभी हमारे पास उपलब्ध है उसी से बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट जैसा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पाव लिया है और इसी ये थोड़ा बड़ा बड़ा वाला है और इससे बहुत बढ़िया बनेगा। बिल्कुल मार्केट में जो बनता है वो इसी साइज का वो लोग लेते हैं, इसी छोटे साइज का भी वो लोग लेते हैं और बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पाव ले लिया है और अब यहाँ पे मैं उबले हुए आलू हैं तो उनको मैंने मैश करके ले लिया है और इसको मैं इसमें मिला दूंगी। इसको बहुत बार भून के भी बनाया जाता है, वो भी बहुत बनता है अच्छा, पर हम लोग इसी में जो हमने सामग्री तैयार की है मैं उबले हुए आलू में ही सब मिलाऊंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है, दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज काट के ले ली है, हरी मिर्च ले ली है, धनिया ले लिया है और यहाँ पे लहसुन थोड़ा सा कूट के लिया है और यहाँ पे जो थोड़ा सा है पत्ता गोभी उसको मैंने काट के ले लिया है, जिसको कि हम लोग इसी उबले हुए आलू में मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया और यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है और थोड़ा सा इसमें से जो पत्ता गोभी का है थोड़ा सा डाल देंगे और ये जो अदरक का कुटा हुआ है वो डाल देंगे, क्योंकि ये डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप तीखा कम ज्यादा टिक्की में इच्छा से कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम थोड़ा सा काला नमक भी डालेंगे, सफेद नमक डालेंगे हम लोग। और इसमें थोड़ा सा मैं कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा हमने लिया है। अब इन सभी चीजों को हम इसी में मिला लेंगे। आप अगर चाहें तो थोड़ा सा आपको पसंद हो तो इसमें मसाला भी यूज कर सकते हैं और हल्दी भी, पर मैं नहीं यूज कर रही हूँ क्योंकि हम लोग इसी से टिक्की तैयार करेंगे। तो मैं इसको हाथ से ही अच्छे से हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमको टिक्की बनाना है वो हमारा बिल्कुल मिक्स हो चुका है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है कि हम लोग गोल गोल टिक्की बना लेते हैं। और हमने तवे पे अच्छे से ऑयल फैला दिया है। अब इस पे हम लोग ये टिक्की जो है इसकी गोल गोल शेप हम लोग ऐसे दे देकर और बिल्कुल बढ़िया सी हम लोग टिक्की इसमें बना लेंगे और ये बिना मसाले का ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। और इसमें हमने लहसुन मिलाया है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं जिससे कि इसका थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है, पर हम ऐसे ही बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बेहतर इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टिक्की को फैला दिया है, अब इसको हम लोग पलट लेते हैं और बिल्कुल हमको गोल्डन ब्राउन अच्छी सी टिक्की हम लोग को दोनों तरफ से पलट के बना लेनी है। दोनों तरफ से हमको इसको अच्छे से सेक कर टिक्की को तैयार कर लेना है। तो फिर इसको हम लोग पलट लेते हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल एकदम कुरकुरा हम लोग टिक्की बना देंगे और हमारी टिक्की बिल्कुल एकदम अच्छी सी बननी चाहिए ताकि हमारा बर्गर बहुत ही टेस्टी और बहुत बढ़िया बने। हमने दोनों तरफ से टिक्की को अच्छे से इसको बिल्कुल सेक करके कुरकुरा तैयार कर लिया है आलू की टिक्की को। तो यहाँ हमारी टिक्की तैयार हो चुकी है और इसको हम लोग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बाकी की टिक्कियां भी हम इसी तरह बना लेंगे। घी डालेंगे, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर यूज कर सकते हैं, पर हम लोग तो गांव में है घी, बटर की जगह हम घी ही यूज करते हैं। और सच मानिए तो घी बिल्कुल बहुत इसका टेस्ट अच्छा भी आता है और हम लोग को आसानी से मिल जाता है। तो अब यहाँ पे जो ब्रेड हमने बीच से काट के रख लिया है वो ब्रेड मैं बिल्कुल ऐसे हम लोग इसको तल देंगे, इसको दोनों तरफ से ब्रेड को हम लोग सेक देंगे जिससे बिल्कुल हमारा ब्रेड एक अच्छा सा और एकदम बढ़िया इसमें से खुशबू भी आने लगे और घी में बिल्कुल अच्छे से सिक के तैयार हो जाए। दोनों तरफ से घी लगा के बिल्कुल ब्रेड को अच्छे से सिक लिया है और
ये हमारा बनेगा बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा ब्रेड बर्गर। तो हमने इसको अच्छे से सेक लिया है, तो जितना भी हमारा पाव था उसको हमने घी लगाकर अच्छे से सेक लिया है। अब इसमें हम लोग बिल्कुल बढ़िया से हम इसमें लगा देंगे अपना टमाटो सॉस, और इस पे हम लोग लगाएंगे नीचे बिल्कुल एक टमाटर की स्लाइस यहाँ पे रख दिए हमने, बिल्कुल हमने बारीकी इसको काट लिया है। और अब इसमें हम लोग पतला हम प्याज इसमें भी लगा देंगे, और अब इस पे हम रखेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर डालेंगे जिसको बिल्कुल हमने क्रश कर लिया था, और यहाँ पे थोड़ा सा पनीर को हमने पतला बिल्कुल अच्छे से स्लाइस में काट लिया था छोटे में। और अब इसमें हम लोग ये अपना आलू की टिक्की रखेंगे, और एक टिक्की लगा दी। अब फिर हम इस पे थोड़ा सा हम लोग पनीर रखेंगे, और इस पे हम लोग टमाटर लगाएंगे, और ये इतना अच्छा लगेगा खाने में कि बस पूछिए मत। तो हम लोग बिल्कुल अपनी स्टाइल में और जो हमारे पास था उसी से हमने बिल्कुल बर्गर बनाया है। और अब हम ग्रीन चिली सॉस लगाएंगे, थोड़ा सा पनीर का ऊपर भी रखेंगे, और ये हमारा बिल्कुल ब्रेड बर्गर तैयार। और एकदम इसी तरह हमारे पास और जो ब्रेड है उसको भी हम लोग ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा बिल्कुल टेस्टी और एकदम बढ़िया सा लाजवाब अपनी देसी स्टाइल में बर्गर तैयार है। तो अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।